आज हम आपके साथ शेयर करेंगे आलू गोभी और मटर की सब्ज़ी। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही चटपटा बनके तैयार होता है। बहुत ही कम तेल और मसाले लगते हैं सब्ज़ी को बनाने में और बहुत कम समय में ही बनके तैयार हो जाता है। एक बार आप इन तरीक़ों से बनाकर देखिएगा, आपको बहुत पसंद आएगा। तो चलिए बिना देर के हुए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए हमने एक फूल गोभी लिया है, बहुत ही ताज़े हैं फूल गोभी। और अब हम क्या करेंगे कि गोभी में जो पत्ते लगे हुए हैं ना, उन पत्तों को हम तोड़ लेंगे, सिर्फ इसके फूल का सब्ज़ी बनाएंगे। आप चाहें तो इनके पत्तों और डंठल का भी सब्ज़ी बना सकते हैं, पर हम सिर्फ फूल का बनाएंगे। इनके मोटे वाले डंठल को भी काट के अलग कर लेंगे और सिर्फ इसके फूल का सब्ज़ी बनाएंगे। तो इस तरह से हमें इसके एक एक फूल को तोड़ लेना है और अलग कर लेंगे। गोभी के जो फूल हैं ना तो बड़े साइज में रखेंगे और ना ही छोटे साइज में रखेंगे, बिल्कुल मीडियम साइज में रखेंगे। और अब इन्हें अच्छे से धो करके साफ कर लेना है और सबसे पहले हम इन्हें बॉईल करेंगे। तो इसके लिए हमने एक पैन में पानी ले रखा है और आधा चम्मच नमक लेंगे और पानी में एक बॉईल आने देंगे। और जैसे ही बॉईल आना शुरू हो जाएगा हमें इसमें गोभी को डाल देना है और 3 से 4 बॉईल आने तक हम इन्हें पकाएंगे। गोभी को इस तरह पकाने से 2 फायदे होते हैं। एक तो गोभी खाने से गैस नहीं होती है और दूसरा अगर इसमें जो भी कीड़े मकोड़े लगे हों ना वो नष्ट हो जाते हैं पानी में उबाल आता है तो। और हम गैस के फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इन्हें साइड कर देंगे। अब हम एक कढ़ाई लेंगे और उसमें तेल डालेंगे। तो ये सब्जी बनाने के लिए आप कोई सा भी तेल इस्तेमाल कर सकते हैं। तेल को अच्छे से गर्म करेंगे और जब तेल अच्छे से गर्म हो जाए तो हम इसमें गोभी को डालेंगे और डालते के साथ हम इसे कवर कर लेंगे, नहीं तो इसके छींटे पड़ेंगे। 1 से 2 मिनट तक ढके रहने देंगे। जैसे ही गोभी का पानी सूख जाएगा तो तेल से छींटे उड़ना भी बंद हो जाएंगे और ढक्कन हटा के फिर से हम इन्हें फ्राई कर लेंगे। और अब आप देख सकते हैं ना कि गोभी बहुत अच्छे से फ्राई हो गया है। तो हम इन्हें निकाल लेंगे और साइड कर देंगे और जैसे हमने गोभी को फ्राई किया था ना बिल्कुल वैसे ही आलू को फ्राई कर लेंगे। तो 4 से 5 आलू लिया हमने और इन्हें तोड़ लिया है, हाथों से मसल करके आलू लेंगे और इन्हें भी हम फ्राई कर लेंगे। और दोनों को फ्राई करके हम साइड कर लेंगे और दोबारा से हम कढ़ाई में तेल डालेंगे। तेल को अच्छे से गर्म होने देंगे और जैसे ही तेल अच्छे से गर्म हो जाएगा तो हम इसमें कुछ खड़े मसाले डालेंगे जो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। और अब इन खड़े मसालों को कुछ सेकेंड तक भूनना है और जैसे ही ये भून जाए, सोंधी सोंधी सी खुशबू आने लगे, हम इसमें प्याज डालेंगे। 1 बड़े साइज़ का प्याज लिया हमने और उनको एकदम से बारीक बारीक कट कर लिया है। और इसी के साथ 4 से 5 हरी मिर्च है, इनको स्लाइस में कट कर लेंगे और दोनों को साथ में गोल्डन ब्राउन होने तक भूनेंगे। और अब आप देख सकते हैं कि प्याज जो है अच्छे से भून गया है। तो हमने इसमें जो तेज़पत्ते डाले थे ना उन्हें निकाल लेंगे। और अब इसी के साथ हम टमाटर डालेंगे। तो 1 बड़े साइज़ का टमाटर लिया हमने, टमाटर को भी बारीक कट कर लेंगे। और अब इसी के साथ डालेंगे लहसुन और अदरक का पेस्ट। तो 2 चम्मच हमने लहसुन और अदरक का पेस्ट लिया है और अभी इन्हें हम भूनेंगे। बीच बीच में कवर करते रहेंगे और कवर करते हुए इसे 2 से 3 मिनट तक भूनेंगे या तब तक भूनेंगे जब तक कि अच्छे से पक ना जाए। तो ये आप देख सकते हैं कि बहुत अच्छे से टमाटर और प्याज जो है पक गया है। तो इसमें अब सूखे मसाले डालेंगे। तो 1 चम्मच हल्दी पाउडर लिया हमने, 1 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर लिया है। हरी मिर्च का इस्तेमाल हमने इसमें किया है इसलिए लाल मिर्च थोड़ा कम डालेंगे। और इसी के साथ डालेंगे 1 चम्मच जीरा, आधी छोटी चम्मच डालेंगे काली मिर्च का पाउडर और 1 चम्मच डालेंगे गरम मसाला। और अब इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे ताकि मसाले जो हैं अच्छे से भून जाएंगे और इसे जलेंगे नहीं मसाले। और इसी के साथ हम डाल देंगे मटर। और अब हम मटर को मसाले में मिक्स कर देंगे और दोनों एक साथ भूनेंगे। इससे क्या होगा ना कि मटर भी पक जाएंगे और मसाले भी अच्छे से भून जाएंगे। और अब आप देख सकते हैं कि मसाले और मटर जो हैं दोनों अच्छे से पक गए हैं और मसाले भी भून गए हैं। तो इस स्टेज पे हम इसमें डालेंगे आलू और गोभी। तो हमने आलू को भी डाल दिया और साथ में गोभी को भी डाल देंगे। और इसी के साथ हम डालेंगे नमक स्वाद अनुसार, जिस हिसाब से हम नमक खाते हैं।
और अब हमें मसालों के साथ अच्छे से मिक्स कर लेना है और 3 से 4 मिनट तक और भूनेंगे ताकि मसाले जो हैं सब्जी के साथ अच्छे से मिक्स हो जाएं और पक भी जाए। बीच बीच में कवर करते हुए भूनेंगे। सब्जी को हम जितना अच्छे से भूनेंगे ना और मसाले जितने अच्छे से पकेंगे सब्जी हमारा उतना ही टेस्टी होगा। तो ये आप देख सकते हैं कि लगभग मसाले जो हैं बहुत अच्छे से पक गए हैं और बहुत अच्छा से कलर आया है इनमें, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही यम्मी दिख रहा है। तो इस स्टेज पे हम पानी डालेंगे, तो आप अपने हिसाब से डालना जिस हिसाब से आपको ग्रेवी चाहिए। और इसी के साथ हम जो है धनिया पत्ता डाल देंगे। धनिया पत्ता से सब्जी का टेस्ट जो है ना बहुत ज़्यादा टेस्टी हो जाता है। और इन्हें कवर कर लेंगे और 1 से 2 मिनट तक और पकाएंगे। और अब आप देख सकते हैं कि सब्जी जो है बन कर के रेडी हो गया है। तो गैस के फ्लेम को ऑफ कर देंगे और अब देख सकते हैं कि सब्जी बन कर के तैयार हो गया है। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही ज़बरदस्त बन के तैयार हुआ है। एक बार आप इन तरीकों से ज़रूर बना के देखना। थैंक यू।